हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको दिखाती हूँ एक डाइट ऐसी जो आपका पेट भी काफ़ी टाइम तक भरा रखेगा और ये फाइबर वगैरह से भरपूर है। इसमें आपको ये गाजर है, गाजर जो आपको पता है ये फाइबर और प्रोटीन से भरी हुई होती है। आयरन भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें और यह है एक ग्रीन हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है और कैंसर से भी बचाती है। फिर एक मैंने लेमन लिया है, लेमन भी आपको पता ही है, लेमन में विटामिन सी, विटामिन ए और बी सभी कुछ होता है और साइट्रिक एसिड भी है, कैल्शियम, फास्फोरस और कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है। और ये स्वास्थ्य का ये आपका टेस्ट भी बढ़ाता है। और फिर मैंने एक प्याज लिया है, प्याज में कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन सी है और सल्फर भी है। फिर एक टमाटर लिया है, टमाटर में आपको पता ही है टमाटर आपका फाइबर से युक्त होता है। जिंजर लिया है थोड़ा सा मैंने, जिंजर में भी फाइबर होता है और ये आपका ठंड वगैरह से भी बचाता है। इसमें कैल्शियम भी होता है। और फिर मैंने ग्रीन लीव्स ली हैं, ग्रीन पत्तियाँ, हरा धनिया लिया हुआ है। और आप और जो इस डाइट का जो इस रेसिपी की जो मेन चीज़ है वो है सफ़ेद चने उबले हुए, काबली सफ़ेद चना जिसको काबली चना भी बोलते हैं। इससे ये डाइट बनी हुई है, इसमें फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है ये, इससे वजन भी कम होता है और इस और ये खून की कमी को भी दूर करता है। और फिर मैंने लिया है दही, दही जो जिसमें जो एनर्जी से भरपूर होता है, दांतों के लिए भी अच्छा होता है। इसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पाचन क्रिया को सही रखता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। और इन सब चीज़ों को मिलाकर मैंने एक इतना अच्छा सा आपके लिए डाइट वो बनाया है, रेसिपी बनाई है जो आप स्नैक्स में और ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हो। इसे आप स्नैक्स टाइम में भी ले सकते हो और ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। इसको खाने से आपका 3-4 घंटे पेट फुल भरा रहेगा और आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, जिससे आपको वजन भी कंट्रोल में रहेगा और आपका इम्यून सिस्टम भी सही रहेगा। अब मैंने इन सब सब्जियों को चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद मैंने इन सभी को चॉप करके फिर मैंने इसको इसकी वो बनाई है चाट। देखिए कैसे बनाया है मैंने। इसमें चना मिलाया, काबुली चना, वाइट वाला सफ़ेद चना जो मैंने आपको बताया फाइबर से युक्त है। इसमें फिर मैंने कुकुम्बर डाला है, खीरा एक जो मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया था, लेकिन मैंने खीरा भी डाला है इसमें। और फिर मैंने इसमें चॉप किया हुआ आपका गाजर, टमाटर, हरा धनिया, अदरक, प्याज और हरी मिर्च और सब कुछ डाला है। अब इसमें मैं आपको दही डालूंगी। दही में आपको पता ही बहुत दही से दही को खाने से एनर्जी भी आती है और दही में कैल्शियम भी होता है और जो पाचन क्रिया को भी सही रखता है। और दही थोड़ा सा फैट भी होता है उसमें दही में, जो आपको कई घंटों तक भूख भी नहीं लगती। ये इतनी अच्छी सी डाइट आप खाओगे तो आपको कई घंटों तक भूख भी नहीं लगेगी। और ये इतनी अच्छी डाइट है कि आप इसे जो ना फॉलो करोगे, अगर हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी खाते हो तो आपको आपका सब संतुलन सब सही रहेगा और ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये। और वैसे भी आप देख ही रहे हो इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, सब कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हुई हैं मैंने और कितनी कलरफुल बनी हुई है ये आपकी। और आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हो। आप इसके बनाकर अगर आप इसे स्टोर करते हो तो आप इसमें दही मत डालिएगा, आप इसको ऐसे ही स्टोर करके 2 दिन रख सकते हो और जब आपको खाना हो तब आप इसमें दही को इंक्लूड कर सकते हो। और आप इसे कहीं ले भी जा सकते हो आराम से बनाकर। अगर आप इसे बनाकर कहीं ले जाना चाहते हो तो पैक करके ले जाना चाहते हो तो दही अलग से लेके जाना, क्योंकि दही से थोड़ा सा खट्टा होने का वो ख़राब होने का रहता है, तो दही आप अलग से लेके जाइए। और अगर दही नहीं भी डालना है तो आप इसे अलग से लेकर जाते हो तो आप इसमें लेमन नींबू डाल सकते हो। दही नहीं भी डालोगे तब भी चलेगा, और अगर दही डालते हो तब तो फिर 100 पे सोने पे सुहागा है, दही तो कंपलसरी है आपको पता ही है। और ये आप एक हेल्दी डाइट है और हेल्दी डिश है और आप इसे आराम से खाइए और 3-4 घंटे के लिए भूल जाइए कि आपको भूख भी लगेगी और कितनी हेल्दी है, कितनी कलरफुल है और कितनी प्यारी सी बनी हुई है। देख के तो मुँह में पानी आ रहा है कि बस ऐसी ही रेसिपी रोज़ मिलती रहे हमें खाने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, बाय बाय।